नमस्कार दोस्तों, मैं टैरो कार्ड रीडर परम जस्सल कुंडली टीवी के खास प्रोग्राम टैरो राशिफल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक और फॉलो करें। तो चलिए अब राशिफल की शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं आज का पंचांग। तो शुरुआत करते हैं दिन बुधवार 22 तारीख। पहले हम शुरुआत करते हैं राहुकाल से। तो राहुकाल जो आपका रहेगा वो 12 बजे से लेकर आपका 1:30 तक का, ऑलमोस्ट जो राहुकाल का समय होता है 90 मिनट का रहता है, यानी एक दिन में हम 90 मिनट का समय राहुकाल को देते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग उन बच्चों के लिए जिनका आज बर्थडे है। 22 नंबर मास्टर नंबर कहलाता है न्यूमरोलॉजिकली, 22 नंबर यानी 2 आपके चंद्रमा। तो ऐसे बच्चों को माँ की ब्लेसिंग्स लेकर रहनी चाहिए, और जैसे 2020 है इसको भी अगर जोड़ा जाए तो 4 बनता है यानी राहु का। 22 तारीख वाले जन्मे बच्चे बहुत बहुत राइज करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। अगर वो मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, कोई ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं जो कि यानी हमारा बाहर से कांटेक्ट हो सकता है, हमारा राहु यानी कि हमारा जो बच्चे जुडिशरी करना चाहते हैं, लॉ करना चाहते हैं, यानी कि जिनके शब्दों में कहीं ना कहीं बदलाव हो सकता है, उधेड़ बुन हो सकती है, यानी कि अपने शब्दों में जो झूठ बोलते हैं उनके लिए ये साल काफ़ी अच्छा रह सकता है। झूठ बोलना कार्य में हमारा सिर्फ इतना यूज़ हो जैसे भोजन में नमक, ज़्यादा अगर हम लोग झूठ बोलते हैं तो हमारा कार्य खराब हो जाता है, राहु देवता हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो हम देख लेते हैं ऐसे बच्चों को जिनका आज बर्थडे है उनको मुबारकबाद देते हुए, और साथ में देखते हैं उनके लिए साल कैसा रहेगा और उनको क्या क्या करना चाहिए। जिनका आज बर्थडे है उनको दिन की शुरुआत जैसे हमेशा बताती हूँ माँ बाप के चरण स्पर्श करके करनी चाहिए। अगर आप दूर रहते हैं तो माँ बाप से कॉल कीजिए, बर्थडे के बारे में डिस्कस कीजिए, उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए। उन बच्चों को इस साल क्या करना है, उन बच्चों को जोड़े में गुलाब का पौधा किसी भी पार्क में लगवा देना है जिससे कि उनकी चीज़ें अच्छी हो जाएँ। और मंदिर में आज के दिन यानी कि आज का जो दिन है आप अपना रुद्राभिषेक करके अपने दिन की शुरुआत कीजिए, सारा साल आपका बहुत बढ़िया रहेगा। जो बच्चे स्टडी के लिए कुछ नए आयाम सोच रहे हैं उनके होते चले आएंगे। इस साल आप कोई ना कोई गाड़ी व्हीकल बाय कर सकते हैं। जिन जातकों को बच्चों का सुख नहीं प्राप्त हो रहा था वो यह साल उनके लिए भी सुखदायी रहेगा, बहुत ही न्यायपूर्ण रहेगा। इस साल झूठ को सिर्फ उतना प्रयोग करें जैसे कि आटे में या सब्जी में नमक ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि मेंटली स्ट्रेस हो सकता है, राहु का बन जाता है। राहु को यानी कि ज़्यादा तामसिक चीज़ें यूज़ करने से आपके लिए नुकसानदायक हो, यानी कि चीज़ कोई भी ज़्यादा हो वो नुकसानदायक। तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग बर्थडे के साथ साथ जिन लोगों की मेष राशि है, मेष राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए दिन की जो शुरुआत है वो हैप्पीली रहने वाली है। वो अपने कुछ नई चीज़ें जो उन्होंने बहुत समय से नहीं की हुई हैं वो करने का दिन बनता है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आज आपको किसी बड़े बुजुर्ग को खीर बनाकर दान करनी है या उनको खिलानी है, बड़े प्यार से बड़े सहनशीलता के साथ भोजन खिलाइए। अगर हाथ से खिलाने की भी नौबत आती है तो ज़रूर खिलाइए मेष राशि वालों, आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुखद रहेगा। गॉड ब्लेस यू। अगली राशि हम वृषभ राशि पर आ जाते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए आज थोड़ी टेंशन हो सकती है सुबह से ही, हो सकता है कुछ चीज़ें जो बहुत समय से यानी कि उनको टेंशन दे रही थी आज उनको फेस करनी पड़ सकती हैं। आज नज़र लगने की संभावना बनती है, तो कोशिश कीजिएगा आज काले कपड़े ना पहने, घर से सफ़ेद चीज़ खा के ना निकलें। और उपाय में क्या करना है, बर्फ़ी का पीस ले लीजिए, उसके अंदर एक लौंग गाड़ दीजिए और किसी को भी दान कर दीजिए। आपकी जो टेंशन है, जो फोबियाज है, जो आपको अननेसेसरी चीज़ें आ रही हैं उनसे आपको निजात मिल जाएगी। अगली राशि हम मिथुन राशि पे आ जाते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए वाणी पे कंट्रोल करने का दिन है। मिथुन राशि वालों आप वैसे बहुत सहनशीलते हैं, बहुत अच्छे हैं, बॉन्डिंग बनाकर रखते हैं सबसे, लेकिन आज आपको ज़्यादा बॉन्डिंग बनाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपके लिए बहुत सारी आज अपॉर्चुनिटी खुलेगी, बहुत सारा रास्ते। आज आपका मन 2-3 जगह पे होगा कि आज मैं घूमने जाऊँ, कि ये पेंडिंग काम करूँ या कुछ करूँ, लेकिन आज आपका जो सारा दिन बीतेगा पेंडिंग काम करके ही बीतेगा। तो आज आपको उपाय करना है, एक छोटी सी 5-10 रुपये की कॉपी खरीद लीजिए और किसी भिखारी के बच्चे को दान कर दीजिए। आपका जो टेंशन ज़्यादा हैं, जो आपको लगता है काम रुके हुए नहीं हो रहे हैं, उनसे भी होने शुरू हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। अगली राशि हमारी आ जाती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आज दिन जो है स्टार्टिंग जो है कंट्रोवर्सी या किसी जैसे सास बहू के जो झगड़े होते हैं, अगर आपके घर में ऐसा कुछ सिचुएशन है तो ये चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो कोशिश कीजिए आज अपनी सिचुएशन संभाल लीजिए। आप किसी भी पोस्ट पे हैं, चाहे सास हैं या बहू हैं, तो कोशिश कीजिए चीज़ों को संभाल सकते हैं और संभाल लेंगे आप। तो आपको एक छोटे सा काम करना है, आज आपको आटे का पेड़ा लेना है जिसके अंदर गुड़, तिल और आपको काले तिल, सफ़ेद तिल और गुड़ डाल के आज आपको पेड़ा बना के गौ माता को दान कर दीजिए, ताकि आपके ऊपर कोई भी एलिगेशंस ना लगे, आपकी टेंशन ज़्यादा ना आए। अगली राशि हमारी सिंह राशि।
सिंह राशि वालों के लिए तो स्टार कार्ड के साथ आ रहा है, आज आपको बहुत ही ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। आसपास का माहौल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपकी तारीफ हो सकती है, आपके बने जो काम है उसको आपको आज अप्रिशिएशन मिल सकता है, आपकी तारीफ हो सकती है। ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम काम करते हैं और हमें सामने से सपोर्ट मिलते हैं, अप्रिशिएशन मिलते हैं, बहुत अच्छा है। आज आपको अपने शारीरिक कष्ट जो है उसका ध्यान रखना है। अगर आप ड्राइविंग खुद करते हैं तो आज ड्राइविंग से थोड़ा सा परहेज करें, बाकी ओवरऑल चीज़ें ठीक रहने वाली हैं। आप जैसे हमेशा बताते हूँ कि जब लगता है हमें गाड़ी का चलाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम हनुमान जी का एक यंत्र आता है जो हमें व्हीकल पे लगा लेना चाहिए, वो चीज़ें आपकी मतलब जो भी हमारे टेंशन आने वाली होती है उसको ठीक करता है। और आज एक कमल का फूल लेकर आप मंदिर में जरूर चढ़ाएं। गॉड ब्लेस यू। ये जो दिन है वो थोड़ा सा 50-50 यानी खट्टा मीठा आज का आपका दिन रहने वाला है। हो सकता है आप दिन की शुरुआत किसी टेंशन से करें, लेकिन दिन आते आते आपको इसका सुखद एहसास होना शुरू हो जाएगा। आज आपकी कुछ ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं जिनका डिसीजन आपको इन फ्यूचर उसको बेनिफिट्स देने वाला हो सकता है। आज आपको बड़ों की हेल्प लेनी है और कोई भी डिसीजन लेना हो जो भी आपकी लाइफ मेकिंग में जो यूज़ करे उसके लिए बेस्ट रहेगा। आज आप गाड़ी वगैरह का जो खरीद बेच जो है वो आसानी से कर सकते हैं। आज आप पैसे का गिव एंड टेक आसानी से कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आज आपको सुखद एहसास होगा। इसके लिए आपको छोटी सी रेमेडी करनी है, कोई भी धार्मिक पुस्तक लेकर आप किसी भी मंदिर में चढ़ा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। अगली राशि हमारी आ जाती है तुला राशि। तो तुला राशि वालों के लिए हम लोग जो दिन है उसकी शुरुआत थोड़ी सी दुविधा के साथ हो सकती है। और आप देखिएगा कि दुविधा भी कैसी होगी कि चीज़ें आप ही के हाथ में हैं लेकिन आप ही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आपको किसी और का साथ लेना पड़ रहा है। क्यों साथ लेना पड़ रहा है? क्योंकि आप जब अपनी चीज़ों को या तो चीज़ों को ज़्यादा सोच लेते हैं या ज़्यादा आप अपने चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करते हैं, टेंशन तभी होती है। तो आपको इसके लिए छोटी सी रेमेडी करनी है, एक कटोरी खीर जिसमें कि कोई ड्राई फ्रूट ना डाला हो, प्लेन आप खीर बनाइए और जो गली में या गली के बाहर मांगने वाले बच्चे होते हैं उनको दान कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। अगली राशि हमारी वृश्चिक राशि आ जाती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए गिव एंड टेक कार्ड के साथ आ रहा है। आपको पार्टनर से बहुत ही खुशखबरी मिल सकती है, आपको पार्टनर से बहुत सपोर्ट मिल सकती है। आज धन लाभ हो सकता है, आपकी ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी रह जाएंगी। आज आपको ज्वेलरी बाय करने का मौका मिल सकता है या आपको कोई तोहफा मिल सकता है, तो आपके लिए ये तो बहुत हैप्पीली होगा, आपकी लॉटरी खुलगी, बहुत बढ़िया है, दिन को एंजॉय कीजिएगा। अगली राशि हमारी आ जाती है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए हैंगमैन सिचुएशंस आ रही है। हो सकता है आप पे कोई ऐसा प्रेशर आ जाए जो आप ना बर्दाश्त कर पाएँ या आप पे कोई ऐसा एलिगेशंस लग जाए, यानी कि हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको चाहते हुए भी ना करनी पड़े, लेकिन इसको बड़ी शांति से अगर आप करेंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आज आपको अपने पार्टनर से या आपके ऑफिस में कोई कलीग से उनसे सपोर्ट मिल सकता है। आज आपको जूते बाय करने का मौका मिल सकता है, यानी कि आपको हो सकता है कोई ऐसी कहते हैं ना एक बाय वन गेट वन वाला कोई ना कोई ऑफर ऐसा मिल सकता है जिसे आप चाह तो एक रहते लेकिन आपको चीज़ें दो मिल जाएंगी। मतलब इतनी टेंशन होने के बावजूद भी आपको चीज़ें पॉजिटिव होकर मिलेंगी। आपको एक छोटा सा उपाय करना है, आप जो फूल वाले आते हैं यानी कि जो गली में आपको पौधे वाले आते, तो आज आप अनार का पौधा लेकर अपने बालकनी में ज़रूर लगा लीजिएगा, जिससे कि आपकी जो टेंशन इन फ्यूचर आने वाली हैं, जो आपके हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं, जो आपके एलिगेशंस लगने वाले हैं, वो आपके दूर हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। आगे चलते हैं नई राशि पे। हमारी राशि आ जाती है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए हमेशा ही चीज़ें ऐसी आती हैं कि वो सोच समझ के काम करें, क्योंकि मकर का जो साइन होता है यानी कि फेस छोटा और पीछे से धड़ बहुत बड़ा, तो इन विचारों के लिए कहा जाए तो चीज़ें रहती है ऐसी, वह सोचते कुछ हों और टेंशन बहुत बड़ी नज़र आ जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी आज आपको सपोर्ट में काफ़ी लोग खड़े रहेंगे। आज आप चाह के भी अपनी जो कहते हैं मेंटली स्ट्रेस वो नहीं रोक पाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जिसको आपको जवाब देनी पड़ सकता है, तो आपको इसके लिए उपाय कर लेना है। धार्मिक स्थल पर जाके आप जो धार्मिक स्थल पे नल लगा होता है वहाँ से पानी ले आइए और अपने पे छींटे मारिए और माथा ज़रूर टेक कर आइए। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, घबराने वाली बात ज़्यादा नहीं है। हमारी कुंभ राशि आ जाती है। द टावर कार्ड आ रहा है। टावर कार्ड कुंभ राशि वालों के लिए प्रटेंड करता है कि कुदरत की मार कोई नहीं झेल पाता है, चाहे हम हों चाहे कोई और हो। तो जब कुदरत नाराज होती है, कुदरत में जब हम कहते हैं ना उठा पटक करते हैं या पंगा लेना शुरू करते हैं, तो यही बताया जा रहा है कि इन राशि वालों को कुदरत के साथ मजाक नहीं करना है। चाहे तो कुदरत के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कहते हैं ना हम चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। तो आपको फीमेल्स की ब्लेसिंग्स का कार्ड आ रहा है, आप कन्याओं को दान करें, कन्याओं को मना कर रखें, भुआएँ मासियाँ जो भी आपके आसपास है बहनें उनको मना कर रखिए, वाणी दोष मत कीजिएगा, चीज़ें आपकी अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। गॉड ब्लेस यू। अगली राशि हमारी आ जाती है मीन राशि।
किंग ऑफ वेंड्स के कार्ड के साथ आ रहा है। आप एक राजा हैं, आप राजा के साथ जैसे जीना चाहते हैं, राजा के साथ कौन नहीं जीना चाहता कि हमारे आसपास ऐसे लोग हों जो हमें मान सम्मान दें, हमें हमारी बातों को सुने, लेकिन उसके लिए आप वैसा बनना पड़ेगा। राजा के जैसे जीने के लिए राजा के जैसे बनना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप वो फील कर रहे हैं तो उसके लिए एफर्ट्स डालिए। आप वो बनना चाहते हैं और ये साल आपके लिए बनने वाला है। सिर्फ आज की थोड़ी सी मेहनत, यानी आज की सिर्फ सोच, अपने बड़ों से डिस्कशन जरूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। तो ये रही हमारी राशियाँ, तो फिर मिलते हैं आपसे कल। नमस्कार।